हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे सिलेक्टेड लूसेंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और डेली लूसेंट जीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है भारत डायनामाइट लिमिटेड का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा के अंदर स्थित है यूरेनियम की खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 है वर्गीकृत नगरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा इस्पात उद्योग है, उसमें सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1974 में की गई थी भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम लिमिटेड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग है, उसमें है सर्वाधिक लोग कार्यरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और राजस्थान राज्य है सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ के अंदर लगाया गया था कागज़ उद्योग का पहला सफल कारखाना 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु जो शहर है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई के अंदर स्थापित हुआ था सूती कपड़े का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर शहर में स्थापित किया गया था प्रथम स्टील प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा, उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, तो इस प्रकार से 16 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भारतीय रेलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के हैं, जिसमें है मीटर गेज, नैनो गेज और ब्रॉड गेज। ये 3 प्रकार की लाइनें होती है भारतीय रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकी संख्या 12 है बड़े बंदरगाहों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है 40% परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में हुई थी पहली बार जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान पर है भारत, और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है भारत।
जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य है सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों 1000 पुरुषों पे जो स्त्रियों की संख्या होती है उसके अनुसार निकाला जाता है लिंगानुपात। तो यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की सबसे जो कम जनसंख्या है वो हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में है महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में है जनसंख्या घनत्व सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से किस एक युग्म में सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, जो पूर्वी राज्य है वो तो है अरुणाचल प्रदेश और जो पश्चिमी राज्य है वो है राजस्थान। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का जो युग्म है वह पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि है सर्वाधिक प्राचीन लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में हुई थी एसटीडी सेवा की शुरुआत भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया का किस हिस्से में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी एशिया के भाग में स्थित है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो एनोर का जो बंदरगाह है वह प्रथम निगमीकृत बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम बंदरगाह है सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 जो जलमार्ग है वह अधिसूचित किए जा चुके हैं राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है भारत का सड़क प्रणालियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80% है सड़क परिवहन का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH7 बोले तो नेशनल हाईवे 7 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जामनगर के अंदर स्थित है सबसे बड़ी तेल शोधन शाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वां स्थान है भारत का विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
पश्चिम बंगाल राज्य में है जूट उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है बुक्सा बाघ परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम विस्तार है उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का सर्वप्रथम स्थापित पार्क है और इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं भारतीय गैंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाशय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो भीम बेट का जो शिलाशय है उसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम जो राज्य है उसकी सीमा मिलती है नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु रहती है जून से सितंबर माह में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार है सबसे प्राचीनतम भूखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है यह नेपाल में स्थित है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। इसके अलावा K2, कंचनजंगा और नंदा देवी ये तीनों चोटियाँ भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से जोड़ मिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पालघाट है जो कि केरल और तमिलनाडु को आपस में मिलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री का अंतर है अक्षांशीय विस्तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों के अंदर 30 डिग्री का अंतर है, तो दोनों का एक कॉमन आंसर याद कर लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने किया था यवनिका पर्दा का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने चलाई थी भारत में स्वर्ण मुद्राएं। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।